प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप पहुंचेंगे और इसी दौरान वे कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। तमिलनाडु की यात्रा के बाद मोदी बुधवार को केरल जाएंगे। मोदी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को एक कार्यक्रम को भी संबोधित करने वाले हैं और इसी के साथ वे भाजपा एनडीए के एक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 जनवरी को केरल में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे। स्त्री शक्ति समागम कार्यक्रम संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए पीएम मोदी को बधाई देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक के ऐतिहासिक रूप से पारित होने के बाद न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा। आंगनवाड़ी शिक्षकों आशा कार्यकर्ताओं उद्यमियों मनरेगा और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाएं थेकिनकाडु मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता आरती राय। जी आरती, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचेंगे और इसी के साथ बता दें आपको कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। दक्षिणी राज्यों के दौरे पर है जिसमें तमिलनाडु की यात्रा के बाद मोदी बुधवार को केरल भी जाएंगे और भाजपा एनडीए के एक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं जी। और प्रधानमंत्री मोदी 3 जनवरी को यानी कि आज महिलाओं की एक सभा को संबोधित भी कर सकते हैं जी। आरती, कल तमिलनाडु में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था, आज किन किन परियोजनाओं और शिलान्यास कर सकते हैं? जी प्रधानमंत्री मोदी जो बता दें कि कई सारी रेल परियोजनाएं और कई सारी विकास की परियोजनाओं का परियोजनाओं का कर सकते हैं। और इसी के साथ बता दें स्त्री शक्ति समागम कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण के विधेयक को भी सफलतापूर्वक जो पारित करने के लिए पीएम मोदी को बधाई देने के लिए भी आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने विधेयक के ऐतिहासिक रूप से पारित करने के बाद न केवल राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा जी। आंगनबाड़ी शिक्षकों और आशा कार्यकर्ताओं को भी मनरेगा और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित अन्य महिलाओं को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी इसमें जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आरती।